सदी का महानायक अनुपम अद्वितीय है जिनका भारतीय सिनेमा में योगदान। 77 साल की उम्र में भी जो है युवाओं से ज्यादा युवा और जिनकी आवाज है दमदार। अमिताभ बच्चन को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया वो सम्मान जिसका हर फिल्म अभिनेता को इंतजार रहता है। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 बार नेशनल फिल्म पुरस्कार से अमिताभ को नवाजा जा चुका है, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलाकर 15 बार वो फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। रविवार शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पुरस्कार पाने के बाद उन्होंने अपने फैंस को भी धन्यवाद दिया। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूं, अपना आभार प्रकट करता हूं और नमस्कार करता हूं। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। 23 दिसंबर को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण के दौरान अमिताभ बच्चन खराब सेहत के चलते ये सम्मान नहीं ले पाए थे। उस वक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फिल्म अवार्ड्स का वितरण किया था। अवार्ड मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या मेरा काम पूरा किए जाने या रिटायरमेंट लिए जाने का ये संकेत है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मुझे अभी बहुत काम करने हैं। आने वाले साल में अमिताभ बच्चन गुलाबो, हेरा फेरी 3, चेहरे और ब्रह्मास्त्र फिल्मों में दमदार किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।